Hi, this is Shikha from Threadera Fashion and Art Gallery. Today I am going to teach you how to make pattern for kurta and how to mark and cut a kurta. Today we will learn how to make a basic body block or a pattern for kurta. First we have to fold the fabric. Fabric ko hume fold karna hai. शोल्डर लाइन बस्ट पॉइंट वेस्ट हिप एंड वॉट एवर बी द लेंथ ऑफ द गारमेंट एंड वी हैव टू जॉइन दिस So this is a basic body block or pattern of a kurta. अब हम measurement के through कुर्ते की drafting सीखेंगे. Tools which are required for drafting are inch tape, hip curve, scale, French curve, marking chalk. एंड सीजर्स. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कपड़ा कैसे प्लेस करना है, हमें फैब्रिक किस तरह से प्लेस करना है. हम फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों साथ में कट कर रहे हैं, इसलिए हम फैब्रिक को फोर फोल्ड पर 1, 2, 3, 4 फैब्रिक को हम फोर फोल्ड पर प्लेस करेंगे. ये फोल्ड वाला साइड है, हमारी मार्किंग इस साइड से स्टार्ट होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क करेंगे कुर्ते की फुल लेंथ. फुल लेंथ हमें 42 लेना है प्लस 2 इंचेस मार्जिन, दैट इज 44. फुल लेंथ मार्क करने के बाद हम सारे वर्टिकल मेजरमेंट्स मार्क कर लेंगे. चेस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ. अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट चेस्ट लेंथ 7 इंचेस पे मार्क की है, वेस्ट लेंथ 14 इंचेस पे मार्क की है एंड हिप लेंथ 21 इंचेस पे मार्क की है. देन वी हैव टू एक्सटेंड ऑल दीज पॉइंट्स टू मार्क राउंड मेजरमेंट्स. शोल्डर लाइन पर हम शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे. सो 15 इंचेस शोल्डर है तो उसका हाफ हमने 7.5 मार्क किया. देन चेस्ट लाइन पर हम चेस्ट का 1/4 मार्क करेंगे, दैट इज 42 इंचेस, तो हमने 10.5 मार्क किया. वेस्ट लाइन पे हमें वेस्ट का 1/4 मार्क करना है, दैट इज 30
6 इंचेस तो हमने 9 इंचेस मार्क किया। हिप लाइन पर हिप का 1/4 मार्क करेंगे, दैट इज 44, ने हिप का 1/4 11 इंचेस मार्क किया। हिप कर्व की हेल्प से हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। बेस पॉइंट पर हमें स्मूथ कर्व मार्क करना है। आफ्टर हिप पॉइंट हम स्ट्रेट लाइन फुल लेंथ तक मार्क करेंगे। ये सभी पॉइंट्स बॉडी के फिक्स मेजरमेंट के हैं, हमें सब में ही मार्जिन मार्क करना है। हम सभी में 1.5 इंचेस मार्जिन मार्क करेंगे। अगर आपके पास ये सब टूल्स नहीं हैं, तो भी आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इस तरह के शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं। अब हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। आर्महोल की मार्किंग के लिए हमें आर्म लाइन का सेंटर 7 इंचेस है, इसका सेंटर 3 इंचेस हमने मार्क किया। पहले हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सेंटर से कर्व रख के आपको शेप ज्वाइन करना है। ये आपका बैक आर्म कर्व रेडी है। फ्रंट आर्म कर्व की मार्किंग के लिए सेंटर पॉइंट से 3/4 इंच हम अंदर मार्क करेंगे, इनसाइड टुवर्ड्स नेक। ये हमारा फ्रंट आर्म कर्व रेडी है। नेक्स्ट फॉर नेक, नेक का विड्थ हम 3 इंचेस ले रहे हैं। ये आपको आपके ड्रेस के मेजरमेंट और उसके शेप के अकॉर्डिंग मार्क करना है। फ्रंट के नेक का डीप हमें 6.5 रखना है। रेक्टेंगल बॉक्स हमें मार्क करना है। दिस इज फॉर फ्रंट नेक, एंड बैक के लिए हमें 2 इंचेस मार्क करना है। दिस इज फॉर बैक नेक। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही हम शेप्स मार्क करेंगे, जिस भी शेप का आपको नेक बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, बैक के लिए राउंड कर्व हमने मार्क किया, और फॉर फ्रंट अगेन वी हैव मेड दिस राउंड। कटिंग हम पहले बैक की करेंगे, बैक आर्म कर्व, बैक नेक मार्जिन से कट करते हुए हम कुर्ते के पैटर्न को कट कर लेंगे। देन बैक पीस अलग करने के बाद हम फ्रंट का नेक कट करेंगे और फ्रंट आर्म कर्व कट करेंगे। In my next video, I will show you how to mark and cut the sleeves. Thank you.